सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स मैं हूं सचिन शुक्ला और आप देख रहे हैं ए टू जेड प्रैक्टिकल। सो फ्रेंड्स ये जो चैनल है ये आपके लिए डिजाइन किया गया, सो आप इस चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए। मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं आपका 12th का फिजिक्स का प्रैक्टिकल, जो कि आपका एक्टिविटी नंबर 1 है, इफेक्ट ऑफ डिटर्जेंट ऑन द सरफेस टेंशन। तो ये आपका एक्टिविटी नंबर 1 है जो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं। बेसिकली मैं एक चीज आपको बता दूं कि इस चैनल पे आपके लिए बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, जो 11th 12th के फिजिक्स केमिस्ट्री के सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए। आप जाइए उसको चेकआउट कीजिए, अगर आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलो मैं क्या करता हूँ, इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करता हूँ, लेकिन आप इस वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए पूरा देखिए, जो कि हमारा है एक्टिविटी नंबर 1 12th फिजिक्स का प्रैक्टिकल। ठीक है, सो इस एक्टिविटी में क्या है, बेसिकली ये आप देख रहे हैं कैपिलरी है और ये टिप है। ठीक है, ये अपन ये इसको बेसिकली इंडेक्स पिन भी बोलते हैं। हम इस कैपिलरी में कितना लिक्विड राइज हुआ है जब हम वाटर यूज करते तब, और जब हम लोग डिटर्जेंट वाला सोप यूज करते उस वाटर में डिजोल्व करके तब। मतलब एक चीज तो मैं आपको पहले क्लियरली बता देता हूँ कि अगर वाटर में इंप्योरिटीज इंक्रीज होगी तो सर्फेस टेंशन क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। अगर आप प्योर वाटर लेंगे ना तो उसका सर्फेस टेंशन क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब वो कैपिलरी में ना ज्यादा राइज होता है। लेकिन आप अगर कोई सोप वाला सोल्यूशन लेंगे, ठीक है, डिटर्जेंट वाला सोल्यूशन लेंगे या फिर इंप्योरिटीज वाला वाटर लेंगे ना, तो कैपिलरी में ना वो बहुत ही कम राइज होता है। So, यही हम फाइंड आउट करने वाले और देखने वाले कि वाटर के केस में कितना कैपिलरी में राइज होता है लिक्विड, और डिटर्जेंट के केस में कैपिलरी में कितना लिक्विड राइज होता है। सो चलो मैं एक्सपेरिमेंट क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। आपको क्या करना रहता है, ये कैपिलरी देख रहे हैं, इसको आपको एडजस्ट करना रहता है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करूंगा और ये मेरे पास वाटर है। सो वाटर को मैं क्या करूंगा, बेसिकली इसी कैपिलरी पे ना यहाँ पे फिक्स करूंगा। तो फ्रेंड्स मैं पहले ये प्योर वाटर ले रहा हूँ और मैं इस कैपिलरी में इसको ऐड करूँगा और देखूंगा कि कितना लिक्विड राइज होता है यहाँ पे। ये जो टिप है ये सरफेस ऑफ द लिक्विड को टच करनी चाहिए और यहाँ पे ना लिक्विड राइज हुआ है। आपको तो नहीं दिख रहा होगा लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको दिखेगा, हल्का सा ना लिक्विड राइज हुआ है यहाँ पे ऊपर के साइड। ठीक है, सो यही हमें यहाँ पे एडजस्ट करना रहता है। अब मैं इसका क्या फाइंड आउट करूंगा, एक वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, ये होता है हमारा वर्नियर स्केल और ये होता है मेन स्केल। तो आपको क्या फाइंड करना, लीस्ट काउंट ऑफ द ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल कितना होता है, सो पता है ये 0 से लेके 10 तक के बीच में, सॉरी 0 से लेके 1 तक के बीच में ना 20 डिजिट होते हैं। देखो छोटे छोटे अगर काउंट करोगे ना तो 20 होता है। तो एक की वैल्यू जो होती है ना वो होती है 0.05 होती है। ठीक है, तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, आपको एक के लिए कैसे कैलकुलेट करना है, तो 1 डिवाइडेड बाय 20 कर दोगे ना तो आपको मिल जाएगा स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, दैट इज 0.05। उसके बाद टोटल डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, तो देख रहे हो 0, 10, 20, 30, 40, 50, तो 50 होता है। तो लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करोगे, तो लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल रहता है उसको डिवाइड करना है टोटल डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, तो आपको मिल जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पे इसको एडजस्ट किया है, मैं आपको दिखा तो नहीं सकता पर आप मेरे बाजू में एक चार्ट ओपन हुआ देख रहे होंगे, वहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ये मिनिस्कस जो होता है वो क्रॉस वायर को ना पूरा क्रॉस करता है। सो वही हमें रीडिंग नोट डाउन करना रहेगा और वही आपका हो जाएगा मिनिस्कस H1। क्या हो जाएगा आपका H1, ये वाटर का होता है। ठीक है, सो मैं आपको दिखा देता हूँ फिलहाल जो मेरी वैल्यू आ रही है वो, तो आप देख रहे हैं ये जो हमारा 0 है ये कहाँ पे टच कर रहा है, 6.123 पे। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 6.3 की वर्नियर स्केल की रीडिंग। आप ये 2 वाला देख रहे हो, 2 वाला जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है वो 7 वाले पे कोइंसिडेंट हो रही है, मतलब ये 20 है। ठीक है, तो वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी आ जाएगी, 20। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपको ये शार्प इमेज नहीं मिलता है इसके थ्रू, तो आप ये फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू होता है इसकी मदद से क्या कर सकते, बहुत ही शार्प इमेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसकी मदद से क्या कर सकते, शार्प इमेज क्रिएट कर सकते हैं। सो एक बार मैंने कैपिलरी को देखूंगा कि कितना लिक्विड राइज हुआ है, आप मेरे बाजू में इमेज देख रहे होंगे उसका रीडिंग मैं लिखूंगा, और दूसरी बार आपको क्या क्या करना रहेगा, इस बीकर को हटा के ये टिप का कैलकुलेट करना रहेगा। ठीक है, फिर आपको ना ये टिप का फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए ना आप क्या करिएगा, हमेशा ना इस बीकर को निकाल दीजिएगा यहाँ से। ठीक है, ये बीकर को यहाँ से निकाल देना रहता है और आपको डिस्टर्ब इसको नहीं करना रहता है। अब आपको इसको क्या करना रहता है, फोकस करना रहता है। ठीक है, अब आपको इसको फोकस करोगे और जैसे ही आप इसको टिप को फोकस करोगे, आप मेरे बाजू में इमेज देख रहे होंगे, तो आपको वो रीडिंग क्या करनी रहेगी, निकालनी रहेगी। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये 0 है ये कहाँ टच कर रहा है, 5.9 पे। ठीक है, तो आपकी जो मेन स्केल की रीडिंग हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 5.9। अब देखते हैं वर्नियर स्केल की रीडिंग, ये वर्नियर स्केल होता है तो यहाँ पे आप 2 देखिए ना, 2 मतलब 20 ये कोइंसिडेंट कर रहा है यहाँ पे।
ठीक है 6.5 पे, तो आपकी 2 वाली जो रीडिंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वर्नियर स्केल की रीडिंग। यहाँ पे क्या होता है कि जो वर्नियर स्केल की रीडिंग होती है ना, वो आपको कैसे देखनी होती है कि आपके मेन स्केल पे कहाँ कोइंसिडेंट हो रहा है, जो भी कोइंसिडेंट हो रहा है वही आपकी क्या हो जाएगी, वर्नियर स्केल की रीडिंग। आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, नहीं तो ये प्रैक्टिकल आपको नहीं समझेगा, ठीक है। अब मुझे डिटर्जेंट का निकालना है कि डिटर्जेंट में कितना लिक्विड राइज हुआ है, तो ये देखो, ये मेरे पास है डिटर्जेंट वाला लिक्विड। कौन सा वाला लिक्विड है? डिटर्जेंट वाला लिक्विड। तो मैं इसका कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। तो ये है मेरे पास डिटर्जेंट वाला लिक्विड, और यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि जो कैपिलरी में लिक्विड राइज हुआ है ना, आपको तो नहीं दिख रहा होगा, वो बहुत ही कम राइज होता है एज़ कम्पेयर टू हमारे प्योर लिक्विड के, ठीक है। क्योंकि अगर आप इम्प्योरिटीज इंक्रीज करोगे तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो चलो मैं इसका भी रीडिंग फाइंड आउट कर लेता हूँ। सो बेसिकली मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, तो ये जो मैंने सोप ऐड किया था उसका देख रहे हैं, ये जीरो कहाँ टच हो रहा है, ये जीरो टच हो रहा है 6.05 पे, ठीक है, जिसमें सोप था, ठीक है। और पहले वाले का कितना था हमारा, 6.3 पे टच हुआ था, ठीक है, मेन स्केल की। तो ये जीरो जहाँ भी टच होता है वही हमारा होता है। हमें टिप का फाइंड आउट करना है, तो मैंने बताया टिप का फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको इस डिटर्जेंट वाले लिक्विड को हटाना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब आप इसको माइक्रोस्कोप में, सॉरी ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप में देखिए, और जो भी टिप की वैल्यू आ रही है वो आपको क्या करना है, नोट करना है। तो फ्रेंड्स, ये आपका एक्टिविटी नंबर वन, इफेक्ट ऑफ डिटर्जेंट ऑन द सर्फेस ऑफ सर्फेस टेंशन। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ, जैसे स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, तो ये हमारा कितना था, 0.05, ठीक है। टोटल डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल, तो हमारा 50 होता है, ठीक है। सो आपको क्या करना रहता है, LC मतलब लीस्ट काउंट ऑफ द ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप, इसको आपको इससे डिवाइड करना होता है, तो आपको मिल जाएगा 0.001, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम बेसिकली यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे। देखो, मैंने जब रीडिंग निकाली थी तो मुझे वाटर का सरफेस टेंशन कितना मिला था, 6.305, और मुझे वर्नियर स्केल पे कितनी मिली थी रीडिंग, तो मुझे वर्नियर स्केल पे रीडिंग मिली थी 20, और 20 को क्या करना होता है, आपको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 20 × 0.001। तो पहले ना इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना, तो आपको मिल जाएगा 0.02, और बाद में क्या करना होता है, आपको 6.303 को ऐड करना होता है, तो आपको मिल जाएगा 6.3032, ठीक है। दूसरी जगह आपको टिप ऑफ द पॉइंटर, तो मैंने आपको बताया था कि जो पॉइंटर का हमारा टिप है उसकी जो वैल्यू आई थी मेरी, वो आई थी लगभग 5.9, कितनी आई थी 5.9, और जो हमारा लिस्ट काउंट था वो भी कितना था, 20 था, सॉरी वर्नियर स्केल पे जो रीडिंग आई थी 20 थी, तो 20 को आपको 0.001 से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 0.001 मिल जाएगा, और आपको 5.9 इसमें क्या करना है, ऐड करना है, सो आपको मिल जाएगा 5.901, ठीक है, ये हो गया आपकी ये। अब डिटर्जेंट के टाइम हमें कितना मिला था, तो मुझे मिला था डिटर्जेंट के टाइम मुझे मिली थी वैल्यू 6.1 मिली थी, ठीक है, कितनी मिली थी मुझे 6.1, ठीक है। तो लेकिन लिस्ट काउंट मुझे कितना मिला था, 30 मिला था, तो 30 × 0.001, ये 0.001 आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या, ये बेसिकली लिस्ट काउंट, तो 30 × 0.001 हो जाएगा 0.03। अब इसको आप में क्या करना है, 6.1 को ऐड करना है, तो अगर आप इसको 6.1 से ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6.13। उसके बाद टिप ऑफ द पॉइंटर, वो लगभग दोनों का सेम ही था, मतलब लगभग सेम आया था, तो मेरा ये भी आया था 5.9 के अक्रॉस ही आया था, ठीक है। अब क्या निकालना है, H निकालना है, दैट इज H1 - H2, मतलब आपको क्या करना है, 6.32 - 5.901 करना है, सो आपको मिल जाएगा 0.419। दूसरी जगह आपको वही फिर से करना है H1 - H2, तो H1 कितना, 6.13 - 5.901, तो आपको मिल जाएगा 0.229। तो आपको जो वाटर का था वो कितना मिल गया, 0.419, और आपको जो इसका डिटर्जेंट का था वो कितना मिल जाएगा, 0.229, ठीक है। इसमें फ्रेंड्स बेसिकली क्या होता है कि अगर आप इम्प्योर सब्सटेंस वाटर में ऐड करते हो तो उसका सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है, लेकिन अगर वाटर में प्योर सब्सटेंस ऐड करोगे तो क्या होगा, उसकी कैपिलरी क्या होगी, राइज होगी। आपने ये एक्टिविटी देख लिया, ये बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रैक्टिकल्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब A to Z प्रैक्टिकल। और फ्रेंड्स एक बार और मैं बता रहा हूँ, इस पर 11th-12th के सारे प्रैक्टिकल्स अवेलेबल है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, आप जाइए उसे चेकआउट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और फ्रेंड्स मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।